कड़ कड़ के कड़ी कड़ी। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी मैं जा रही हूँ मेले में। आज भी घर में बहुत सारा काम था सुबह, अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। तो आज सुबह खाना बना लिया था, तो मेले में हमने बहुत सारे, उसका मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि खाने का ब्लॉग तो मैंने पिछले कल बनाया था, इसलिए मैंने आज खाने का ब्लॉग नहीं बनाया। तो खाने में थी कड़ी, मटर पनीर, राजमा, चटनी, फ्लोरी, सब्जी, चने और भी। तो अभी बच्चों का फंक्शन है, मॉडलिंग है, तो मैं जा रही हूँ। बच्चे मेरा मेले में वेट कर रहे हैं, तो उनकी मैं मॉडलिंग करवाऊँगी। अगर हो पॉसिबल हो सके, कोई कैमरामैन मुझे मिल जाएगा तो आपको मैं बच्चों की मॉडलिंग भी दिखा दूँगी। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ मेले में, क्योंकि पिछले कल भी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो स्पेस ना होने की वजह से मुझे बहुत सारा ब्लॉग कट भी करना पड़ा। तो अभी चलते हैं हम मेले में, और मेरे साथ है बुआ और उनकी बेटी ज्योति। मैं पहुंच गई मेले में, तो आपको मेला दिखाती हूँ। नहीं चाहिए भैया, दिखाता हूँ मैडम। मेरे बच्चे मुझे लेने आ रहे थे पर वो भी नहीं आए। Oh,
अभी मैं आपको ले जाती हूँ देवती के पास, शिरडी महादेव। अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो देवता यहाँ तंबू के अंदर है, देवती का रथ। यहाँ पर धुआं धूपबत्तियां जलाएं। भतीजी, छोटी भतीजी, तो अभी जा रहे हैं हम घर, तो ब्लॉग को मैं घर जाके कंटिन्यू करूँगी बच्चों की सेफ्टी के लिए। और ये उसके लिए खाना, और यहाँ है इसके अंडे। तो अभी शायद बारिश ना आए, पत्ते में बह के बाहर जाएगी बारिश। एक पत्ता मैंने रही है, मैंने रात को लगाया था, ये थोड़ा छोटा था, तो अभी बड़ा पत्ता लगाया है तो बारिश भी लगी है तो शायद खा लेगी। आज मेरी बुआ घर आए थे,
तो उन्हें यहाँ आते वक्त रास्ते में पर्स मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं किसी वजह से रात को स्टेटस नहीं डाल पाई, तो मैंने सुबह स्टेटस डाला कि किसी का अगर पर्स गुम हो गया हो तो मुझे कांटेक्ट करें। तो मैंने स्टेटस डाला तो मुझे किसी ने बताया कि वो अन्नू का है। तो अभी फिर मैंने उसको कॉल की, फिर जब उससे मैंने पूछा, मैंने फोटो नहीं डाली थी कि पर्स किस कलर का था और कितने पैसे थे, तो उसने सब कुछ सही सही बताया। तो अभी मैं जा रही हूँ पर्स पहुँचाने उसके पास, वो आई है रास्ते में, तो उसका पर्स मैं लौटाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्स भी एक बार चोरी हुआ है कुल्लू दशहरे में, भीड़ में पता ही नहीं चला। पैसे उसमें मेरे खुद के तो नहीं थे, दूसरों के पैसे थे, मुझे किसी काम से दिए थे। और उसमें जो मेरे एटीएम, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें कुछ मेरी चांदी की चेन थी जो सिर्फ मुझे लगाने को रह गई थी, मैंने निकाल के रखी थी, और कुछ चांदी के डॉलर थे, वो गुम हो गए थे, मतलब चोरी हो गए थे। तो मुझे पता है कि जब किसी की कोई चीज़ जब गुम होती है तो कितना दुख होता है। जा रही हूँ अभी पर्स लौटाने, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि जिनका पर्स है मैं उन तक वो पहुँचा पाई, और उन्हें भी शायद खुशी होगी कि उनका पर्स उन्हें मिल रहा है। तो चलती हूँ मैं पर्स पहुँचाने, वो भी आ गए हैं शायद। मैं जा रही हूँ पर्स देने। की है पर्स को छेड़ तेले धन्यवाद जी। ऐसे लोग भी होते जो रास्ते में अपना पर्स फेंक देते हैं। हेलो, ईमानदार भी होते हैं। आपकी मम्मी ने ना पर्स फेंक दिया था और नीचे रास्ते में। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। पार्टी देनी अब, ठीक है? आधे पैसे मेरे हैं, ठीक है? हाँ अच्छा, बोलो मम्मी को अपने पैसे तो मासी को ना। मत देना। अभी बहुत रात हो चुकी है, तो मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो घर पर इस वक्त कोई मेहमान नहीं है, तो मैं तो मेले में थी, तो दिन को पता नहीं कितने मेहमान आए हैं वो मुझे नहीं पता। पर दुख, वैसे तो मेला बहुत अच्छा हुआ, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने जितने भी लोगों को बुलाया वो कोई भी नहीं आए, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या जानने वाले हो, रिलेटिव हो, जिनको मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरे जानने वाले कोई भी नहीं आए।